आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतान जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ज़ुल्फ़िकार अली बब्बर की जानिब से डिजिटल मीडिया की तमाम फैमिली को अस्सलाम वालेकुम। आज का मौजू भी मेरा बजट के हवाले से ही है। ज़ाहिर सी बात है, बजट डिस्कस हो रहा है पूरे मुल्क में और बजट कदरे बेहतर बजट है और काफ़ी बैलेंस्ड बजट है। मैं बजट की तारीफ़ कर रहा हूँ, लेकिन इसमें जो बुनियादी खामियाँ और कोताहियाँ रखी गई हैं, मैं उस हवाले से बात करने की कोशिश करूँगा। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा, शुक्रिया। जी हाँ, ये बजट गुज़श्ता जो हुकूमत चल रही है या मौजूदा हुकूमत सॉरी चल रही है उसका कदर बेहतर है। गुज़श्ता हुकूमत के भी आखिरी बजटों से काफ़ी बेहतर बजट है और काफ़ी बैलेंस्ड बजट है, जिसमें आवाम पे उस तरह के बोझ नहीं डाला गया जो डाला जा सकता था या लोग तवक्का कर रहे थे। आने वाले वक्त में कहा जा रहा है कि पेट्रोल भी शायद मज़ीद सस्ता हो जाएगा और काफ़ी चीज़ें कम होने जा रही हैं। उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि बल्कि दो तीन वजूहत हैं। एक बुनियादी वजह यह है कि हमारा IMF से इस वक्त तक कोई ऐसा एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ और IMF मुस्तकिल प्रेशर में लिए हुए था, जिसके लिए हमने काफ़ी इकदाम कर लिए थे, लेकिन IMF कंट्रोल में नहीं आ रहा था। तो अब स्ट्रेटजी थोड़ी सी चेंज हुई है और यह कहा गया है कि ठीक है, आवाम को कुछ रिलीफ दे देते हैं, फिर जब IMF से नेगोशिएट होंगे और अगर वो कुछ बातें कर रहे होंगे तो फिर हम उस टाइम थोड़ी सी महंगाई बढ़ा देंगे, इन्फ्लेशन बढ़ा देंगे और कुछ चीज़ें कर देंगे ताकि उनको फील हो के देखें हमने कर दिया, बार्गेनिंग की गुंजाइश हो, क्योंकि जो गुंजाइश थी वो पहले ही पूरी कर चुके थे। तो मज़ीद कोई गुंजाइश बचती नहीं थी कि अगर IMF मज़ीद कोई डिमांड करे। एक तो ये चीज़ हो गई, दूसरी ये चीज़ हो गई कि इलेक्शन, अच्छा जब IMF से जब डील हो जाएगी तो फिर एक मिनी बजट आ जाएगा और वो मिनी बजट के ज़रिए एकदम टैक्सेस और इन्फ्लेशन की एक भरमार हो जाएगी और वो बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाएगी, लेकिन उसमें शायद थोड़ा टाइम लग जाए। दूसरी